नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज दोस्तों मैं टिकट करवा रखा था गांव आने का, बताया था पीछे इससे पिछली वीडियो में 21 का टिकट था मेरा। मैं दशहरे पे गांव आ रहा था, काफ़ी दिन हो गए दशहरा गांव में नहीं देखा था, तो इस साल बड़ा मन था दशहरे पे आने का, लेकिन ये पैर में मेरे फ्रैक्चर है दोस्तों, ये इस कारण से प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। तो आज टिकट कैंसिल कराने आया हूँ लड़के के साथ। मैं ये बाहर खड़ा हूँ रेल आरक्षण केंद्र के, लड़का अंदर गया है टिकट कैंसिल करवाने। ये रेल आरक्षण केंद्र में एक मिनट, मैं कैमरे से दिखाता हूँ या ऐसे ही दिखा दूँ। ये गेट है रेल आरक्षण केंद्र, ये इसके बाहर खड़ा हूँ। मैं बाइक पे बैठा हूँ, मैंने कहा पार्किंग में क्या लगाना, बाइक साथ हूँ ही मैं, तो मैं बैठा हूँ, मैंने कहा बाइक पे तू जाके कैंसिल करवा। लड़का अंदर टिकट कैंसिल करवाने गया है, मैंने कहा जब तक एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए। और दोस्तों नहीं, समस्याएं सब नहीं है, ठीक है दोस्तों। अभी फिर यहाँ से हॉस्पिटल और जाना है, हॉस्पिटल एक्चुअली दिखाने के लिए तो 26 तारीख को बुला रखे हैं हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ से पर्चे पे लिखवाना है बेड रेस्ट के लिए, वो बेड रेस्ट एक्चुअली लिख नहीं रखे हॉस्पिटल वाले, और कंपनी वाले कह रहे हैं जहाँ जॉब करता हूँ कि इस पर बेड रेस्ट लिख के दें जब ही मान्य होगा। तो पीछे मैं उनसे बोला था लिख के दे दो, तो वो लिख के उस दिन तो दिए नहीं थे। अब आज जाके दोबारा ट्राई करता हूँ कि आज लिख के देते हैं या नहीं लिख के देते। तो अभी यहाँ टिकट कैंसिल करवा के आए लड़का, उसके बाद फिर हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ देखते हैं, अगर लिख के दे दें तो अच्छी बात है, लिख के दे देंगे तो दवाई वाई के पैसे जो हैं या जैसे जो रेस्ट चल रहा है घर पे चल रहे हैं, घर पे बैठा हूँ, उसके पैसे मिल जाएंगे कंपनी से 525 रुपये पर डे के हिसाब से। और अगर लिख के नहीं दिए हॉस्पिटल वाले तो कुछ नहीं देंगे, कंपनी वाले कह रहे हैं लिख के देंगे बेड रेस्ट जब भी दे सकते हैं हम, ऐसे तो लिख के दिए नहीं है बेड रेस्ट, इसका तो ये मतलब है कि आप काम कर सकते हो। ठीक है फिर अभी बताता हूँ दोस्तों, जैसा होगा मैं बाद में हॉस्पिटल जाने के बाद तो बताता हूँ, ठीक है दोस्तों।